मैक्स कर रहा है निगरानी, बोले जगह अच्छी है लहसुन लगाने के लिए या नहीं है। हैं मैक्स, ठीक है जगह? ये है जगह की तैयारी लहसुन लगाने के लिए। ये डाल दी है हमने गोबर खाद, और साथ में इसमें थोड़ी डाली है रेत, क्योंकि ये बहुत ही चिकनी मिट्टी है, तो जो हम क्यारियाँ बना रहे हैं उसमें हमने थोड़ी रेत डाली और थोड़ी गोबर खाद। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जगह तैयार हो रही है लहसुन लगाने के लिए। ये है लहसुन जो हमने पिछले साल अक्टूबर में लगाया था, और अप्रैल में इसको निकाल लिया था और स्टोर करके रखा था। ये गांठे तोड़ के हमने ये कलियां अलग कर ली हैं, फिर से अभी हम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये ले लिया, इससे ऐसे लाइन खींच ली, इसको एक एक ऐसे लगाते जाएंगे। चार चार पांच पांच इंच की दूरी पे। और अभी इसके साथ ही हम दूसरी लाइन खींचेंगे। ये देखो, जैसे हमने दूसरी लाइन खींची, जो पहली लाइन लगाई है वो अपने आप ही ढक गई, उसके ऊपर मिट्टी आ गई। देखो पूरा ढक गया, अगर नहीं ढका हो तो ऐसे हाथ से मिट्टी डाल दो ऊपर। ऐसे ये देखो, ऐसे लगाएंगे, लाइन वाइज लाइन लगा लेंगे, और फिर इसको इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। बस ऐसे हाथ से पूरा ढक देंगे। ये देखो, इस तरह से लहसुन लगाया जाता है। ये देखो, हम लहसुन लगाने आए हैं और ये भी हमारे साथ है। देखो कैसे आराम से बैठा है। इधर हम लगा रहे हैं और ये देखो पीछे, ये साथ में ही, ये देखो ऐसे बैठा हुआ है आराम से। दूर भी नहीं कि चलो थोड़ा बाहर निकल के बैठे ना। मैक्स, तूने भी लहसुन लगाना है? लहसुन लगाना है? काम करना है? बस अभी उठ गया। अभी हम ना इस सारी जगह में लहसुन लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या करना है। लहसुन हमने लगा लिया, और लहसुन लगाने के बाद ये देखो, ये पूरी पराली इसके ऊपर डाल दी है। अभी इसके ऊपर हम एक बार पानी डाल देंगे, उससे ये क्या होगा, ये लहसुन जो है वो जल्दी निकल आएगा, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सूखी है। ये देखो ऐसी मिट्टी है भुरभुरी सी, तो इसके ऊपर पराली डालने के बाद ऊपर से हम पानी लगाएंगे। और ये पराली डालने के दो फायदे होते हैं। पराली डालने से क्या होगा, इसमें बिल्कुल घास नहीं निकलेगा। जो घास फूस निकल आता है ना लहसुन में, और गुडाई करनी पड़ती है बार बार, वो अभी इसमें ना तो गुडाई करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही घास निकलेगा। और दूसरा क्या होगा, इस पराली की वजह से नीचे जो जमीन है वो मॉइस्चराइजर रहेगा जमीन में, वो नमी रहेगी जमीन में, और नमी रहने के कारण हमें बार बार पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा लहसुन जो है वो अच्छा होगा। कहेंगे दो तीन महीने के बाद ये जो पराली है ये खुद ही सड़ गल के खाद का लेगी, ये खाद लग जाएगा हमारे लहसुन को। ये पराली डालने से ना बहुत ही फायदा है लहसुन के ऊपर। हम हर बार ऐसे ही लगाते हैं, जब भी लहसुन लगाते हैं बस एक बार लहसुन लगाया और ऊपर से पराली से ढक दिया, और बस अभी पहला पानी अभी लगा देंगे, फिर बीच बीच में महीने में एक आध बार पानी डालेंगे। अगर नहीं भी हुआ तो जो बारिश होती है उसी से हो जाता है लहसुन। और नीचे जो जमीन है ये नमी बनी रहती है, और मिट्टी भुरभुरी रहती है नीचे, जिसके कारण लहसुन की गांठ जो है वो अच्छे से बड़ी हो जाती है। जो आगे वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगी कि लहसुन निकल गया, जब हमारा लहसुन इस पराली से बाहर निकलेगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप बस हमारी वीडियो देखते रहना अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि लहसुन कैसे होता है। ये जो हमने लहसुन के बेड बनाए थे ना, साथ में बनियां बनाई थी हमने, उनको भी पराली से ढक दिया है, क्योंकि इन बनियों पे घास उग जाएगा और वही घास आके क्यारियों में चला जाएगा, इसलिए हमने बनियों को भी, जो इसकी ओलियां बनाई हैं उनको भी ढक दिया है पराली से। पूरा ही ढक रहे हैं हम इसको, देखो। और पराली भी जरूरी नहीं है कि आपकी जो नई निकली पराली है वही डालो, अगर कोई और घास है सूखा हुआ वो डाल दो, नहीं तो जो पुरानी पराली बची हुई है जो ऐसे ही सड़ रही है, ऐसे ही है, गाय भैंस नहीं खाती है जिस पराली को, खराब हो गई है, वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और ये जो पराली होती है इसका भी एक प्रकार का खाद बन जाता है बाद में, जब ये अपने आप ही ये पराली जो है एक टाइम पे मिट्टी में पड़ी पड़ी गल जाएगी, सड़ जाएगी, और इसी का ये खाद का रूप ले लेगी।